हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैटकेम क्लासेस में। तो आज हम जो कंटिन्यू करने वाले हैं, वो हम कंटिन्यू करेंगे मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। और मोल कॉन्सेप्ट में आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। और कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स स्ट्रेंथ के जनरली टर्म्स होते हैं, जैसे कि नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सब जो है कंसंट्रेशन टर्म्स में आते हैं। तो ये सब तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन इसके पहले जान लेते हैं कि जो ये मेरे कंसंट्रेशन टर्म्स है या जो भी स्ट्रेंथ के टर्म्स हैं, आखिर ये किसके लिए हम पढ़ते हैं, किस टाइप के लिए, सिस्टम के लिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, इसको तो हम पढ़ते हैं सॉल्यूशंस के लिए, जो हमारे सॉल्यूशन में मिक्सचर होते हैं, सॉल्यूशन मिक्सचर, ठीक है। और दूसरी बात जो होती है, किस टाइप के सॉल्यूशंस के लिए, तो ये ट्रू सॉल्यूशंस के लिए हम इनको पढ़ते हैं, ठीक है। और ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं जो मेरे होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं, उनको हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए, सॉल्यूशन होमोजीनियस भी हो सकता है, सॉल्यूशन हेटरोजीनियस भी हो सकता है, लेकिन होमोजीनियस सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें कंपोनेंट्स आपस में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, उनको अलग अलग नहीं देख सकते। और दूसरे होते हैं हेटरोजीनियस सॉल्यूशन। तो हेटरोजीनियस सॉल्यूशन में क्या होता है, EOUS, तो हेटरोजीनियस सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो भी मेरे कंपोनेंट्स होते हैं कंप्लीटली डिसॉल्व, मतलब एक दूसरे मिक्स नहीं होते, वो क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं सॉल्यूशन में, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, वो सस्पेंडेड होते हैं। और इसके एग्जांपल आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी जान लेते हैं कि सॉल्यूशन आखिर क्या होता है, वो किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो हमें पता है कि सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक तो सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। लेकिन अगर हमें कोई बोले कि भाई सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है किसी सॉल्यूशन में, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो हम थोड़ा सा सीख लेते हैं। अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो हमारा सॉल्यूट और दूसरा होता है भाई सॉल्वेंट, ठीक है। और सॉल्यूट क्या होता है, सॉलिड को कैसे डिफाइन करते हैं, सॉलिड को डिफाइन करते हैं विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, ठीक है भाई, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। अगर मेरा कोई सॉल्यूशन है, अगर उसमें जो भी कंपोनेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, और जो भी लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, और जो भी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा लार्जर अमाउंट में, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे, ठीक है भाई। तो इस डिफिनेशन को ध्यान रखेंगे, इसी के आगे हम बताएंगे कि आखिर सॉल्वेंट और सॉल्यूट कैसे डिफाइन करना है। तो देखिए, अगर मैं सॉल्यूशन लेता हूं, तो सॉल्यूशन जो मेनली दो टाइप के पढ़ेंगे यहां पे, ठीक है। एक तो सॉल्यूशन जहां पे सॉलिड को लिक्विड में मिला दिया जाए, दूसरा जब लिक्विड को लिक्विड में मिक्स किया जाए, तो इन दो टाइप के सॉल्यूशंस को हम पढ़ेंगे। देखिए, जो भी मेरा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तीनों टाइप का हो सकता है, सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूशन लिक्विड भी हो सकता है, सॉल्यूशन गैसियस भी हो सकता है। तो अब गैसियस सॉल्यूशन तो आप जानते हैं, गैस में गैस को मिक्स कर दो, और लिक्विड सॉल्यूशन भी जानते हैं कि क्या, दो लिक्विड्स को मिक्स कर दो या फिर सॉलिड को लिक्विड में मिक्स कर दो, लिक्विड सॉल्यूशन है। लेकिन सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, अगर मैं बात करूं सॉलिड सॉल्यूशंस की, सॉलिड सॉल्यूशन, तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि भाई सॉलिड सॉल्यूशन कैसे होगा, तो ये बात बिल्कुल सही है, सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं। जितने भी आप एलॉयज पढ़ते हो, एलॉयज को आप जानते हो, ठीक है, एलॉयज जैसे ब्रास या फिर पीतल, स्टेनलेस स्टील जो भी आता है, ये सब क्या है, ये एलॉयज हैं, जिसमें क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा मेटल्स को आपस में मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये भाई ये सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, पहले सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशंस जिनमें लिक्विड में लिक्विड को मिक्स किया जाए, दूसरा जिसमें सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया जाए, ये दो हमें पढ़ना है, ठीक है भाई। तो यहां से हमें डेफिनेशन पता चल गया सॉल्यूट का, कि जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉल्यूट है, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट है। तो बस इसी डेफिनेशन को ध्यान रखिए, क्योंकि हर जगह यही डेफिनेशन पढ़ाई जाती है, तो इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हमें पता चलने वाली है। तो अगर मैं केस वन की बात करता हूं, केस वन, जब व्हेन सॉलिड इज मिक्स्ड इन लिक्विड, ठीक है भाई, अगर मैं सॉलिड को लिक्विड में मिला के मैं सॉल्यूशन बनाता हूं, जैसे सॉलिड प्लस लिक्विड को मैं क्या बना दूं, सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमेशा जो है सॉलिड हमेशा हमारा सॉल्यूट होगा, और लिक्विड क्या होगा, हमेशा सॉल्वेंट होगा। इस पर्टिकुलर केस में हमेशा सॉलिड क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और लिक्विड क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और ये दोनों मिलके सॉल्यूशन बनाएंगे।
अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल अगर मैं नमक को पानी में घोल दूं या फिर चीनी को पानी में घोल दूं तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है भाई, पानी मेरा सॉल्वेंट लिक्विड है, उसमें हम सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं, तो जो भी सॉलिड होता है वो क्या होता है हमारा सॉल्यूट होता है। जैसे कि NaCl प्लस H2O ये देगा हमारा सॉल्यूशन देगा, तो इस केस में क्या है, ये हमारा सॉलिड है और ये हमारा लिक्विड है, तो ये हमेशा सॉल्यूट होगा और ये हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है भाई, ये था हमारा केस वन जब हमने सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया तब। अगर मैं केस टू की बात करूं तो वहां पे हम क्या पढ़ेंगे, जब हम मैं लिक्विड में लिक्विड को मिक्स करूं तो उसमें जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है भाई, तो देखिए अगर मैं लिक्विड में लिक्विड को मिक्स करके मैं सॉल्यूशन बना दूं, ठीक है, तो डेफिनेशन इसमें क्या डेफिनेशन होगी, इसमें जो है लिक्विड में इसके लिए क्या डेफिनेशन होगी, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेशर अमाउंट इज सॉल्यूट। और दूसरा द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज सॉल्वेंट। ठीक है भाई, तो ये बेसिकली जो रूल देते हैं कि जो कम अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा, ज्यादा अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट होगा, वो इस वाले केस में जो होता है अप्लाई होता है। ठीक है भाई, अगर मैं पहले केस की बात करूं जहां पे सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया गया था, तो यहां पे कहूं कि नहीं भाई मैं सॉलिड ज्यादा ले लेता हूं लिक्विड कम ले लेता हूं, तो सॉलिड जो है मेरा सॉल्वेंट होगा, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा भाई। अगर मैं ढेर सारा सॉलिड ले लूंगा तो उसमें लिक्विड कैसे मिक्स करेगा उसको, ये तो वही बात हो गई। अगर मैं कहूं कि मैं एक नमक की बोरी लेके उसमें मैं पानी के छींटे मार रहा हूं और कह रहा हूं कि सॉल्यूशन बन गया, तो ये केस पॉसिबल नहीं है जहां मैं सॉलिड ज्यादा लेके और लिक्विड कम लेके सॉल्यूशन बना दूं। ठीक है, तो ये बेसिकली रूल क्या है, इस वाले केस टू में अप्लाई होता है कि जो कम अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को भी हम देखते हैं कैसे कितना एक्सटेंट तक हम इसको समझ पाए हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं इस टाइप का कि अगर मैं इथेनॉल लेके अल्कोहल लेके C2H5OH प्लस H2O मिला के मैं एक सॉल्यूशन बना रहा हूं। ठीक है भाई, जहां पे ये भी क्या है लिक्विड है, ये भी क्या है लिक्विड है, और सॉल्यूशन मेरा लिक्विड है ही। तो अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं इसका 10 ml ले लूं, इसका 10 ml और इसका मैं 90 ml ले लूं, तो यहां से आपको दिख रहा होगा भाई ये हमें ज्यादा दिख रहा है, ये मेरा क्या हो गया इस केस में, ये भाई सॉल्वेंट हो गया और ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूट हो गया। ठीक है भाई, ये आपको दिख गया। अगर मैं एक बात कहूं, अगर मैं इसको चेंज करके इसको मैं 90 ml कर देता हूं, इसको मैं 10 ml कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं 90 ml कर देता हूं और इसको मैं 10 ml कर देता हूं, ठीक है, तो इस केस में कौन सा सॉल्वेंट होगा, हमें पता है हमने डेफिनेशन पढ़ ली, जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो क्या होगा सॉल्वेंट होगा। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है अभी तक कि ये जो है ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये यहां पे क्या हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा, और यहां पे ये क्या हो जाएगा ये सॉल्यूट हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं एक बात कहूं, अगर मैं अब इनके अमाउंट्स को मैं बराबर कर दे रहा हूं, अब मैं जो है इसको भी 50 कर दे रहा हूं और इसको भी मैं 50 कर दे रहा हूं, 50 ml और 50 ml, अगर अब मैं कहूं कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है तो आप क्या बताओगे, क्योंकि दोनों के 50 ml 50 ml ही है, तो इसके हिसाब से तो आपको ये लग रहा होगा कि दोनों का अमाउंट क्या है बराबर है, तो अब आप कंफ्यूज होंगे कि कौन सा सॉल्वेंट होगा कौन सा सॉल्यूट होगा। ठीक है, लेकिन अभी तक हम जो सीख रहे थे वो क्या था, गलत था। ठीक है, कभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐसे डिफाइन नहीं होते। डेफिनेशन ये बिल्कुल सही है कि विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट विल बी सॉल्यूट, बट थिंग इज व्हाट इज अमाउंट। तो इन केमिस्ट्री में अमाउंट का मतलब हमेशा मोल होता है, अमाउंट का मतलब भाई हमेशा मोल होता है, अमाउंट का मतलब हमेशा मोल होता है। तो अगर मैं आपको ये 10 ml, ये 50 ml, ये 10 ml, ये 100 ml, ये 90 ml, ये 10 ml दे कि कितना भी पूछूं कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, तो आप नहीं बता सकते। अगर आपसे कोई भी पूछे आप बोलना पहले भाई तुम नंबर ऑफ मोल्स बताओ तब मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट बताऊंगा।
तो जो जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे वो सॉल्वेंट होगा, जिसके नंबर ऑफ मोल कम होंगे वो सॉल्यूट होगा, ठीक है। तो ये अब तक जब हम जो भी हम वॉल्यूम वाला सीख रहे थे ये सही नहीं था, अब हमें यहां पे इसको मोल के टर्म्स में डील करना होगा, ठीक है भाई। अगर अब मैं कहूं कि मैं इसका 2 मोल लेता हूं और इसका 8 मोल लेता हूं, तब ये क्या होगा भाई, इस केस में ये क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और इस केस में ये क्या होगा, सॉल्यूट होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर अब मैं जो है कहूं इसके मैं 8 मोल लेता हूं और इसके मैं 2 मोल लेता हूं, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर भी सॉल्यूट हो सकता है, हमेशा हम पढ़ते हैं वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, बट वाटर भी सॉल्यूट हो सकता है, बशर्ते अगला जो है ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए था, और अमाउंट मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में जान गए, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं और सीखते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स को, ठीक है भाई। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मोलैरिटी, और देखते हैं कि आखिर मोलैरिटी होती क्या है और उसके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है। तो देखिए पहली चीज क्या है, हमें जो पहले पढ़ना है वो है मोलैरिटी, मोलैरिटी एम। मोलैरिटी को डिफाइन किया जाता है, मोलैरिटी को डिफाइन किया जाता है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मतलब क्या है, किसी भी सॉल्यूशन के 1 मोल में, सॉरी किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्वेंट के कितने मोल डिसॉल्व हैं, वो होती है उसकी मोलैरिटी। अगर सीधे भाषा में समझाए इसको तो क्या होगा, मान लीजिए आप पानी ले लीजिए और उसमें जो है चीनी मिलाते रहिए, पानी में जो है चीनी आप डिसॉल्व कर दीजिए, ठीक है, और कैसे भी करके उसके वॉल्यूम को जो है आप 1 लीटर ले आइए, सॉल्यूशन के वॉल्यूम को। अगर आपके पास वॉल्यूम 1 लीटर हो गया तो 1 लीटर पानी में जो भी 1 लीटर सॉल्यूशन हमारा बन गया है उसमें आपने कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व किए हैं वही उसकी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स आप सॉल्यूट के डिसॉल्व कर दीजिए वो उसकी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी। और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम की बात की जाए तो कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको अगर डिवाइड कर दे वॉल्यूम जो भी हमारे लीटर में, तो क्या आ जाएगा, हमारा मोलैरिटी आ जाएगा, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू एन अपॉन वी इन लीटर, जहां पे एन क्या है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और वॉल्यूम क्या है, सॉल्यूशन, वी क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, सॉल्वेंट का नहीं, यहां पे वॉल्यूम किसका है भाई, सॉल्यूशन का है, ठीक है। तो ये सिंपली हम मोलैरिटी को जो है डिफाइन ऐसे करते हैं। तो यहां से एक बात पूछी जा सकती है, एग्जाम में जेई पूछ भी चुका है कि आखिर जो है मोलैरिटी का टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि नहीं, मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि नहीं। तो देखिए मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मोलैरिटी इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, मोलैरिटी क्या भाई, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। और ये मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे हुआ, देखिए यहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं भाई, यहां पे नीचे जो है हमारा वॉल्यूम यूज हो रहा है, ठीक है, और वॉल्यूम खुद क्या होता है भाई, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लिक्विड और गैसेस की बात करें, एक्चुअली किसी का भी वॉल्यूम जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। गैसेस में क्या होता है, गैसेस में बहुत ज्यादा डिपेंड करने लगता है, लिक्विड्स में थोड़ा कम डिपेंड करता है, और सॉलिड्स में बहुत ही कम डिपेंड करता है, बट यहां पे डिपेंड तो करता है, इसलिए क्या है, मोलैरिटी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है भाई। तो आपको यहां से हमें डेफिनेशन भी पता चल गई और इसके बारे में ये भी पता चल गया कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब इस पे जो है एक आध प्रॉब्लम्स करके देखते हैं कि आखिर हमें मोलैरिटी कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, एग्जांपल में लिखूं क्या भाई, 60 ग्राम एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व इन, कितना भाई लिख दूं, 1 लीटर
ऑफ सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है भाई, मोलैरिटी तो सॉल्यूशन का ही होगा, तो इसको हमें कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन की मोलैरिटी। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा मोलैरिटी क्या था भाई, नंबर ऑफ मोल्स m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन v भाई लीटर में। ठीक है भाई, तो अब देखिए, अब क्या है यहां पे हमें अमाउंट दिया हुआ है एसिटिक एसिड का, यहां पे हमें अमाउंट दिया हुआ है एसिटिक एसिड का, और हमें क्या चाहिए, एसिटिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। ठीक है, तो हमें ऐसा कोई फॉर्मूला ढूंढना है जहां से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सके, क्या अमाउंट से। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन मोलर मास, जहां पे डब्ल्यू क्या है, गिवन मास है, और मोलैरिटी मोलर मास जो भी एमएम है मेरा। ठीक है, तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें नंबर ऑफ मोल्स, तो कैसे कैलकुलेट होगा, तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स देख लेते हैं। तो यहां से जो पहला स्टेप होगा वो होगा नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेट करना, मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई मोलर मास, जितना अमाउंट गिवेन है डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना होता है, मोलर मास होता है भाई इसका 60 ग्राम पर मोल। तो यहां से हमें W पता है, W भी जो है 60 ग्राम दिया है, और मोलर मास कितना है भाई 60 ग्राम पर मोल। तो यहां से इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 1 मोल आ जाएगा एसिटिक एसिड का। ठीक है भाई, अब हमें उसका मोलैरिटी पता चल गया, वॉल्यूम भी जो है 1 लीटर दिया हुआ है, तो मैं यहां से मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकता हूं, मोलैरिटी इज इक्वल टू एन अपॉन वी इन लीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं, 1 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम भी कितना है मेरा 1 लीटर, मतलब यहां से इसकी मोलैरिटी कितनी आ जाएगी भाई 1, और क्या करते हैं जितनी भी वैल्यू आती है उसके आगे हम m लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 1 मोलर, क्या बोलते हैं भाई इसको 1 मोलर, ये m जो होता है सिंबल होता है मोलैरिटी का। ठीक है भाई, तो यहां से इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट हो गई। मैं एक और एग्जांपल के थ्रू इसको जो है समझ लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो एग्जांपल में हम कोई चेंज कर देते हैं अपने सॉल्यूट को, देखिए अगर मैं दूसरा एग्जांपल लिखूं, दूसरा एग्जांपल मैं कुछ ऐसा लिखता हूं जो भी है 36.5 ग्राम HCl इज डिसॉल्वड इन 2000 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी। ठीक है भाई, यहां से हमें इसकी मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है। तो यहां भी देखिए, यहां भी हमें HCl का जो है अमाउंट दे दिया, क्या दे दिया, अमाउंट दे दिया है। तो यहां भी हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए भाई, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, या फिर n इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम मोलर मास, और इसका जो है मोलर मास भाई HCl का मोलर मास होता है 36.5 ग्राम पर मोल। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से 36.5 दिया भी हुआ है, और यहां भाई कितना हो जाएगा 36.5 है भी, तो यहां से कितने आ गया, मतलब इसका 1 मोल आ गया, मतलब HCl का 1 मोल लिया गया। ठीक है, यहां पे हमें ग्राम से नहीं, मतलब है हमें 1 मोल से मतलब है, तो 1 मोल लिया गया। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम कितना है भाई, वॉल्यूम है 2000 ml, लेकिन हमें वॉल्यूम किस में रखना, हमें वॉल्यूम लीटर में रखना है, तो ये कितना हो जाएगा 2 लीटर, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml। तो यहां से अगर हम मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है भाई, तो यहां से क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 1 मोल है और 2 लीटर है, तो यहां से इसकी मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, 0.5 मोलर हो जाएगी इसकी मोलैरिटी HCl सॉल्यूशन की। तो कुल मिला के इस तरीके से मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है, जितना भी अमाउंट दिया है उसको उसके मोलर मास से डिवाइड करके पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए, फिर क्या कर लीजिए, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लीजिए लीटर में, फिर दोनों को क्या कर दीजिए भाई, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे मोलैरिटी आ जाएगी। लेकिन अब क्या है, प्रॉब्लम इतना ईजी नहीं आता एग्जाम में। ठीक है, ये तो बहुत ही बच्चों वाली बात हो गई, क्योंकि प्रॉब्लम जो है इतना ईजी नहीं आता है,
तो हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर आगे चीजें टफ कैसे होती हैं, तो उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए, अब तक हमने सिंपली जो है मोलैरिटी को हमने देखा, क्योंकि हमें मोलैरिटी सिंपली कैसे कैलकुलेट करनी है। लेकिन अब क्या है, जो चीजें आती हैं वो होती हैं कि अगर मैं दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर दूं, अगर मैं दो एसिड सॉल्यूशंस को मिक्स कर दूं, तो वहां पे मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए उसके पहले जो एक चीज हम जान लेते हैं, अभी हमने पढ़ा मोलैरिटी इज इक्वल टू एन अपॉन वी। ठीक है, जहां पे एन क्या है, एन मेरा मोल्स है और वी क्या है, हमारा वॉल्यूम है ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। ठीक है भाई, तो देखिए अगर यहां से मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू वी, n इज इक्वल टू m इंटू वी। ठीक है, तो यहां से हमें पता है, अगर मुझे मोलैरिटी पता है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, वहां से नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसमें दो तरीके से कैलकुलेशन हो सकती है। यहां पर अगर मैं मोलैरिटी, अगर मैं वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम को किस में रखता हूं, लीटर में रखता हूं, अगर मैं, मुझे मोलैरिटी पता है भाई जितने भी मोलर है, अगर उस समय मैं वॉल्यूम को लीटर में रखूंगा तो यहां जो हमें एन मिलेगा, ये एन हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर जो है एम इंटू वी, अगर मैं वॉल्यूम को मिली लीटर में ही रख दूं, इन मिली लीटर में ही रख दूं, तो क्या होगा, अगर मैं वॉल्यूम को मिली लीटर में ही रख दूंगा तो यहां से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी भाई मिली मोल्स। क्या होगी, मिली मोल्स मिलेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है इस पे जो फैक्टर आ रहा है लीटर टू एमएल में कितने का फैक्टर आ रहा है, 1000 का फैक्टर आ रहा है। कितने का आ रहा है भाई, 1000 का फैक्टर आ रहा है। तो यहां से जो ये मिली मोल में कन्वर्ट हो जाएगा वो कैसे, देखिए अगर अभी जो है यहां पे हमने देखा एन इज इक्वल टू एम इंटू वी इन लीटर। ठीक है, इसको मैं ये कर सकता हूं क्या, एम इंटू 1000 या V into 1000 और वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ठीक है, अगर मैं मिलीलीटर में वॉल्यूम रखूंगा तो इसको कितने में, 1000 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर अब मैं जो है यहां से अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये क्या हो जाएगा, n अपॉन 1000 इज इक्वल टू m इंटू वी। ठीक है, और ये n अपॉन 1000 क्या है भाई, ये मिलीटर ही तो है, एक लीटर बराबर 1000 ml। ठीक है, या फिर 1/1000 लीटर इज इक्वल टू 1 ml। तो इसी तरीके से 1/1000 अगर नंबर ऑफ मोल्स आएंगे तो वो क्या हो जाएगा भाई, वो 1 मिलीमोल हो जाएगा, 1 मिलीमोल। तो इसलिए अगर जो है वॉल्यूम को मैं ml में ही रख दूं तो वहां से मुझे मिलीमोल्स मिलेंगे भाई। ठीक है, तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो हमें बार बार वॉल्यूम चेंज करने की जरूरत ना पड़े, वहां हम डायरेक्ट क्या कर ले, इनके मिलीमोल्स को ही कैलकुलेट करके हम जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये भाई डिफरेंस था मोल्स और मिलीमोल्स में। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हम देखते हैं कि अगर मैं दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशंस को मिक्स करूंगा तो उस केस में मोलैरिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है भाई, तो देखिए अब हमें पढ़ना है मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, ठीक है, कि अगर मैं मिक्स करूं तो मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट होगी। मान लीजिए मेरे पास दो एसिड सॉल्यूशन है, ठीक है, दो एसिड सॉल्यूशन है, तो उसमें केस भी दो हो सकते हैं, एक कि मैं सेम एसिड्स को मिक्स करूं, ठीक है, सेम एसिड मतलब दो HCl के सॉल्यूशंस को मिक्स करूं, और दूसरा केस कि मैं डिफरेंट एसिड्स को मिक्स करूं। मैं क्या कर सकता हूं, एसिटिक एसिड में HCl मिक्स कर सकता हूं, H2SO4 में HCl मिक्स कर सकता हूं, HNO3 में HCl मिक्स कर सकता हूं, H2SO4 में HNO3 मिक्स कर सकता हूं। तो यहां पे जो है दो केस बने, ठीक है, तो केस वन कब होगा, केस वन व्हेन एसिड सॉल्यूशंस, या फिर व्हेन सॉल्यूशंस ऑफ टू और मोर सॉल्यूशंस ऑफ सेम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर मिक्स्ड। अगर मैं
ऐसा सॉल्यूशन को मिक्स करूं जहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या हो सेम हो, जैसे कि दो HCl सॉल्यूशन दो H2SO4 सॉल्यूशन। तो अगर मैं इसके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि जो भी मेरे एक सॉल्यूशन को मैं A मान लेता हूं और दूसरे को मैं B मान लेता हूं, ये क्या है सॉल्यूशन A और ये क्या है मेरा सॉल्यूशन B है, ठीक है। इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है और यहां से क्या बना दिया, एक मेरा सॉल्यूशन मैंने फाइनल सॉल्यूशन बना दिया, रिजल्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस केस में मोलैरिटी कैसे डिटरमाइन होगा, देखिए अगर मैं जो है ए और बी की बात करता हूं तो यहां पे हमें इसकी मोलैरिटी पता होगी, ए की भी मोलैरिटी पता होगी और बी की भी मोलैरिटी मुझे पता होगी। तो मैं मान लेता हूं यहां पे जो है इसकी मोलैरिटी एम वन है या एम ए है और इसकी जो है वॉल्यूम जो है वॉल्यूम वी ए है सोल्यूशन का, ठीक है भाई। अगर इसकी मैं मोलैरिटी की बात करूं, इसकी मान लेता हूं मोलैरिटी एम बी है और इसका वॉल्यूम क्या है वी बी है, ठीक है भाई। तो देखिए मोलैरिटी को हम डायरेक्ट मिक्स मतलब ऐड नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं इसकी मोलैरिटी एम ए है इसकी मोलैरिटी एम बी है तो मैंने दोनों को पता चला ऐड कर दिया एम ए प्लस एम बी, तो ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी हमने क्या डिफाइन किया है, एम इज इक्वल टू एन अपॉन वी, मतलब मुझे टोटल नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और टोटल क्या चाहिए वॉल्यूम चाहिए, मैं डायरेक्ट इनकी मोलैरिटी को ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या करना होगा, इसकी हेल्प से हमें जो है इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होंगे और इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होंगे और दोनों को ऐड करके पहले टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होंगे, फिर दोनों के वॉल्यूम्स को जोड़ के टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट मोलैरिटी आएगा। तो अब देखिए, अब जो है अगर मैं बात करूं यहां से, तो अगर मैं इसके जो है इसके नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं तो इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, एन इज इक्वल टू या फिर एन ए इज इक्वल टू एम ए इंटू वी ए। अभी हमने पढ़ा कि अगर एम ए और वी ए को मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे एन ए मिल जाएगा, और यहां से जो है अगर मैं एन बी कैलकुलेट करूं तो क्या हो जाएगा, एम बी मोलैरिटी ऑफ बी इंटू वॉल्यूम ऑफ बी, ठीक है भाई। अब मुझे पता है नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलैरिटी सॉरी क्या होती है, टोटल मोल्स और टोटल वॉल्यूम, ठीक है भाई। तो अगर यहां पे मैं वॉल्यूम की बात करूं तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी टोटल इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, दोनों को जोड़ दो और यहां पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है मेरे, एन वन एन ए प्लस एन बी, यहां पे क्या होंगे एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाई क्या होगा भाई, वी वन प्लस सॉरी वी ए प्लस वी बी, ठीक है वी ए प्लस वी बी, ठीक है। अब देखिए अब एन ए कितना आया है मेरा, एम ए इंटू वी ए, एन ए कितना आया है एम ए इंटू वी ए प्लस एम बी इंटू एन वी डिवाइडेड बाई वी ए प्लस वी बी, ठीक है भाई। तो ऐसे कैलकुलेट होगा जो भी मेरा रिजल्टेंट मोलैरिटी होगा, रिजल्टेंट मोलैरिटी वो कैसे कैलकुलेट होगा, दोनों के जो है एम ए वी ए प्लस एम वी बी बी डिवाइडेड बाई वी ए प्लस वी बी, ठीक है। जितने भी दो दिए हुए उनके मोलैरिटी को उनके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके सबका समेशन कैलकुलेट कर लीजिए, फिर डिवाइड कर दीजिए टोटल वॉल्यूम से, ठीक है। तो अगर मैं जो है अगर मैं दो या दो से ज्यादा सॉल्यूट लूं तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं बात करूं कि मैं दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशंस को लेकर आपस में मिक्स कर रहा हूं, अभी तो हमने दो के लिए जो है देखा फॉर्मूला क्या होगा या दो की मिक्सिंग कैसे होती है, अगर दो से ज्यादा की मिक्सिंग करानी हो तो कैसे होगा, तो उसमें भी कुछ नहीं करना है, सिंपली जो हमारा फॉर्मूला था दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके सबके डिवाइड कर देना है टोटल वॉल्यूम से। अगर मैं बात करूं तो अगर दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन मैं लेता हूं तो उसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री या फिर जो भी है डस डस एम एन वी एन डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, मतलब हमारा क्या था वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस डस 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 प्लस वी एन, सारे वॉल्यूम्स को ऐड कर दीजिए और सारे एम वन वी वन को ऐड कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए टोटल वॉल्यूम से, तो यहां से हमें रिजल्टेंट मोलैरिटी मिल जाएगी, ठीक है भाई। अगर इसी को जो है अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे मिक्सिंग कैसे हो रही है, तो देखिए अगर मैं बात करता हूं, मैं लिखता हूं कि 0.5 मोलर 600 ml HCl सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ 0.4 मोलर 400 ml
ऑफ एनदर एचसीएल सॉल्यूशन, एनदर एचसीएल सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, रिजल्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है भाई, तो यहां पे दो एसिड्स को मिक्स किया गया, दो एचसीएल एसिड्स को मिक्स किया जो कि सेम है, और वो क्या, एक का 0.5 मोलर 600 ml और 0.4 मोलर 400 ml। ठीक है, ये मोलर या m एक ही चीज है, ये m का मतलब होता है भाई मोलर ही होता है। ठीक है, तो कहीं मोलर लिखा हो या कहीं m लिखा हो, दोनों एक ही चीज है। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए जो सॉल्यूशन की जो है रिजल्टेंट मोलैरिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है भाई, तो देखिए हम अभी हमें क्या पता चला कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं और टोटल नंबर ऑफ सॉरी टोटल वॉल्यूम। अगर मैं बात करूं, अगर मुझे m1 दिया है किसी सॉल्यूशन का और m2 दिया है किसी सॉल्यूशन का, तो मैं जो है ओवरऑल के लिए mr जो है m1 plus m2 में नहीं कर सकता, ये हमें पता चल गया है। तो मैं दोनों के मोलैरिटी को ऐड नहीं कर सकता, तो वहां से हमें क्या करना है, पहले टोटल नंबर ऑफ मोल्स पता करने हैं, फिर टोटल वॉल्यूम पता करनी है। ठीक है भाई, तो अगर हम HCl a को मैं a मान लेता हूं, दूसरे को मैं सॉल्यूशन को HCl b मान लेता हूं, HCl b, तो HCl a के लिए मोलैरिटी कितनी दी हुई है, m is equal to 0.5 मोलर और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 600 ml। दूसरे के लिए मोलैरिटी कितनी दी हुई है, 0.4 मोलर और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 400 ml। ठीक है भाई, तो अब क्या है, अब यहां से अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना चाहूं तो उसके लिए क्या करना होगा, वॉल्यूम के पहले हमें पता है n इज इक्वल टू m इंटू वी। ठीक है, अगर यहां से मैं इसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना चाहूं n1, तो यहां पे क्या होगा m1 इंटू वी1 करना होगा, लेकिन यहां पे वॉल्यूम क्या दिया, वॉल्यूम मेरा ml में है, वॉल्यूम ml में है। तो अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं वॉल्यूम में यहां ml में ही रख दूं, वॉल्यूम में ml में ही रख दूं, तो यहां से मुझे क्या मिलेंगे, मिली मोल्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मैं चलिए अभी मैं जो यहां पे लीटर में रख के हम यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, इस वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं 0.6 लीटर, और ये यहां पे क्या हो जाएगा 0.4 लीटर, 0.4 लीटर और 0.6 लीटर मिली मोल के हेल्प से हम अगला प्रॉब्लम कर लेंगे। तो यहां पे n1 कितना हो जाएगा भाई, m1 कितना है 0.5, वॉल्यूम कितना है 0.6 लीटर और ये मोलर, तो n1 कितना आ जाएगा भाई बताइए 0.30। ठीक है, 0.30 इसके आ जाएंगे मोल्स। और यहां पे अगर n2 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा m2 into v2, और m2 कितना है भाई 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 लीटर, यहां पे मोलैरिटी है, तो क्या हो जाएगा 0.16 इसके मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां से हमें जो है टोटल मोल्स में कैलकुलेट कर सकता हूं, टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे n1 प्लस n2, और ये कितने के बराबर हो जाएगा 0.30 प्लस 0.16 इज इक्वल टू 0.46 मोल्स। ठीक है, यहां पे 0.30 मोल्स हैं और यहां पे 0.16 मोल्स हैं, तो टोटल मोल्स तो हो गए n1 प्लस n2 इतने। अगर मैं vt की बात करता हूं टोटल वॉल्यूम की, तो कितना हो जाएगा भाई v1 प्लस v2, और वो कितना हो जाएगा लीटर में ही कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 0.6 लीटर प्लस 0.4 लीटर, तो ये क्या हो जाएगा 1 लीटर। टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई 1 लीटर। अब मुझे पता है इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि जगह चाहिए होगा। अब मुझे पता है मेरा मोलैरिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। तो यहां से मोलैरिटी रिजल्टेंट क्या आ जाएगी, n टोटल डिवाइडेड बाई v टोटल इन लीटर। ठीक है, तो n टोटल क्या है हमारा, n टोटल है n1 प्लस n2 अपॉन v1 प्लस v2, और ये n1 प्लस n2 कितना आया था 0.46 मोल्स, और v1 v2 कितना आए थे भाई 1 लीटर। तो ओवरऑल मोलैरिटी कितनी हो गई, ओवरऑल मोलैरिटी 0.46 मोलर हो गया। आई बात समझ में, ओवरऑल मोलैरिटी कितनी आ गई 0.46 मोलर आ गई। ठीक है, क्योंकि यहां पे टोटल वॉल्यूम 1 लीटर ही आया था। तो इस तरीके से मिक्सिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में जो है हम और भी जो भी टाइप है मिक्सिंग के, जैसे कि हमें सिर्फ पानी से अगर डाइल्यूट करेंगे
तब क्या सीन होगा, और जो भी मोलैरिटी हम पढ़ लेंगे, फिर नॉर्मैलिटी, मोलैलिटी, ये सब हमें आगे पढ़ना है। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और जो है अगर आपका कुछ डाउट रहा हो तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।